दोस्तों 9 जून 1983 को वेस्टइंडीज के अहंकार का विध्वंस करके भारतीय टीम ने इस विश्व कप में अपना आगाज कर दिया था। विश्व कप के इतिहास में वेस्टइंडीज की यह पहली पराजय थी और इस पराजय पर विश्व क्रिकेट और ब्रिटिश मीडिया भरोसा नहीं कर पा रहा था और भारत के इस पराक्रम और भारत की इस जीत को विदेशी अखबारों के द्वारा किस्मत से मिली जीत बताया जा रहा था और इस जीत को विधि का विधान बताकर भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को कांच की तरह तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन टीम इंडिया का वह कप्तान उन्हीं टूटे हुए कांच के टुकड़ों से पूरी दुनिया को आईना दिखाने का जज्बात पाल रहा था। और दोस्तों 11 जून 1983 को भारत इस विश्व कप का अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलता है और अपने इस दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की पूरी टीम को सिर्फ 155 रनों पर ही समेट दिया और दोस्तों 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 37.3 ओवर में ही जिम्बाब्वे को 5 विकेट से शिकस्त देते हुए इस विश्व कप में दूसरी जीत हासिल कर ली थी और अपनी लगातार 2 विजय के साथ टीम इंडिया ग्रुप बी में पहले स्थान पर जा पहुंची थी। और दोस्तों 13 जून 1983 को भारत अपना तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है और कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारुओं ने पूरे 60 ओवर खेलकर भारत के सामने 320 रनों का एक हिमालय खड़ा कर दिया और इस हिमालय पर 158 कदम चलते चलते पूरी भारतीय टीम अपना दम तोड़ देती है और कंगारुओं ने भारत को 162 रनों की शर्मनाक शिकस्त देकर भारत और भारतीय टीम को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। और ये हार इतनी बड़ी थी कि इसके पहले की दोनों जीत अपने मायने खो चुकी थी और इस हार के ठीक एक दिन बाद भारत को अपने विश्व कप के इस सफर का चौथा मैच वेस्टइंडीज के साथ खेलना था। और दोस्तों 15 जून 1983 को ओवल के ग्राउंड पर यह मैच प्रारंभ होता है और जहां भारत कंगारुओं के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद इस मैच में उतरा था तो वहीं वेस्टइंडीज के पास मौका था अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने का, वही कलंक जो इस विश्व कप के अपने पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 34 रनों से पराजित करके वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की रातों की नींद छीन ली थी। दोस्तों अब वही भारत फिर से एक बार खूंखार वेस्टइंडीज के सामने खड़ा था और वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया और कपिल देव ने सिर्फ 17 रन के स्कोर पर ही गॉर्डन ग्रीनीज को अपना शिकार बनाकर भारत को पहली सफलता दिला दी। लेकिन ग्रीनीज के आउट होते ही मैदान में उस तूफान, उस विध्वंस से भारतीय खिलाड़ियों के बीच सन्नाटे का शोर प्रारंभ हो गया। बिब रिचर्ड जैसे ही मैदान पर आते हैं उनकी आंखें खूंखार भेड़िए की तरह रोजर बिन्नी को ढूंढ रही थी। रोजर बिन्नी ने ही अपने पहले मैच में बिब रिचर्ड को अपना शिकार बनाया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए अब बिब रिचर्ड की आंखें रोजर बिन्नी की तलाश कर रही थी और बिब रिचर्ड नाम का यह तूफान शुरू होता है और रोजर बिन्नी समेत सभी भारतीय गेंदबाज इस तूफान में तिनके की तरह उड़ने लगते हैं। बिब रिचर्ड ने इस मैच में 119 रनों की एक विध्वंसक पारी खेली और रोजर बिन्नी बिब रिचर्ड के निशाने पर थे और अपने 12 ओवर के स्पेल में रोजर बिन्नी को 71 रन खर्च करने पड़ गए थे और बिब रिचर्ड की इस विध्वंसक पारी की बदौलत वेस्टइंडीज 60 ओवर में अपने 9 विकेट खोकर 282 रनों का एक विराट स्कोर खड़ा कर चुका था और 283 रनों का पीछा करने जब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मैदान पर आए तो अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का आक्रमण भारत के बल्लेबाजों पर प्रारंभ हो गया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के द्वारा खतरनाक बाउंसर मारकर भारतीय बल्लेबाजों को निशाना बनाया जा रहा था और जिसका नतीजा यह रहा कि श्रीकांत सर 2 रन और गावस्कर सर महज 6 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। 10 ओवर की समाप्ति पर भारत सिर्फ 21 रन बनाकर अपने 2
विकेट खो चुका था। और इसके बाद महेंद्र अमरनाथ और दिलीप वेंगसेकर ने मोर्चा संभाला और देखते ही देखते दोनों के बीच 109 रनों की साझेदारी हो गई और भारत का टोटल स्कोर अब 130 रन हो चुका था। दिलीप सर 32 और अमरनाथ सर 80 रन बनाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। और फिर अगले ओवर में दिलीप वेंगसेकर सर ने मैल्कम मार्शल को दो लगातार चौके मारे तो मैल्कम मार्शल की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी और गुस्से में मैल्कम मार्शल ने अपने अगले ही ओवर में पहली ही गेंद पर अपनी पूरी जान झोंक दी और यह खतरनाक बाउंसर जाकर दिलीप वेंगसेकर सर के जबड़े पर प्रहार कर देती है और दिलीप वेंगसेकर सर का बल्ला हाथों से छूटकर हवा में उछल जाता है। दिलीप वेंगसेकर सर वही जमीन पर गिर पड़ते हैं। भारतीय टीम के अंदर और भारतीय दर्शकों के ऊपर एक मौन, एक चुप्पी, एक खामोशी जैसे आवरण छा जाता है। दिलीप वेंगसेकर सर के चेहरे पर इतनी गंभीर चोट लगी थी कि उनका जबड़ा हिल नहीं पा रहा था। सभी भारतीय खिलाड़ी और भारतीय अपनी अपनी जगह छोड़कर खड़े हो गए थे। दिलीप सर को सहारा देकर मैदान से बाहर लाया जा रहा था। उनकी यह हालत देखकर सभी भारतीय क्रिकेटर और फैंस की आंखों में आंसुओं की धारा निकल पड़ी। दिलीप सर को एक टैक्सी में लेकर मैनेजर मान सिंह हॉस्पिटल के लिए भागते हैं और चोट बहुत गहरी थी। दिलीप सर का जबड़ा फट चुका था और उनको 60 टांके लगाए जाते हैं और डॉक्टर ने उनको यह विश्व कप खेलने से मना कर दिया था और दिलीप सर का विश्व कप का सफर इसी मैच के बाद समाप्त हो जाता है। खैर वह मैच वहां से आगे बढ़ता है और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने भारतीय खिलाड़ियों के शरीर को निशाना बनाकर गेंदबाजी करना प्रारंभ कर दिया। और दोस्तों यह वह गेंदबाज थे जितने खतरनाक और खौफनाक गेंदबाज आज तक क्रिकेट इतिहास में पैदा नहीं हुए। दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों के शरीर पर जगह जगह प्रहार हो रहे थे। इस मैच में महेंद्र अमरनाथ ने 80, दिलीप वेंगसेकर सर ने 32, कपिल देव सर ने 36 और संदीप पाटिल के 21 रनों के अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के क्रोध के सामने दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। अंततः भारतीय टीम यह मैच 66 रनों से हार जाती है और ड्रेसिंग रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था। इस मैच में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का सबसे ज्यादा सामना महेंद्र अमरनाथ सर ने किया था और ड्रेसिंग रूम में जब महेंद्र अमरनाथ ने अपनी जर्सी उतारी तो वहां पर मौजूद सभी भारतीय खिलाड़ियों की आंखें भीग गई। उनके शरीर पर जहां जहां गेंदें लगी थी वहां वहां लाल रंग के निशान पड़ चुके थे। संदीप पाटिल सर की उंगली फट चुकी थी जिसके कारण उनके बाएं हाथ का ग्लव्स अंदर से पूरा खून से शराबोर हो चुका था और अपने खिलाड़ियों का यह हाल देखकर कपिल सर की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था और अब उनकी आंखों में गुस्सा और जीत का एक ज्वालामुखी जन्म ले रहा था।